डॉलर क्या चीज, आप लोग डॉलर के मोहताज हो? नहीं तो फिर क्या, व्हाट इज डॉलर? तुम्हारे कुछ पूछा मैंने कुछ? वो इसलिए है कि यहाँ के जो हुक्मरान है ना, सबसे पहले उनको टारगेट किया जाता है, फिर दूसरी बात ये कि जाहिर बात है उन्होंने करप्शन की, खाया, पैसा लूट के चले गए और कर्जे लेते रहे हैं, ठीक है। अब ठीक है कि जो पैसा लूट के चले गए हैं, ठीक है, और आप देख लें क्या हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के, डॉलर तो स्टेबल हो ही नहीं रहा। डॉलर है नहीं स्टेबल, कहाँ पे होगा भाई? आपको किस चीज़ की कमी है? किया जाता एक प्रोजेक्ट अगर तैयार करने लगते हैं तो उस पर करप्शन के केसेस आ जाते हैं। ऐसे बाद में ज़्यादा हुआ, पर वहाँ पे जो हुक्मरान है ना उनका बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि इंडिया वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमिक कंट्री में आ चुका है, तो इस पर पाकिस्तान वाले क्या रिएक्शन देते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है, वो भी टॉप 3 पर आ चुके हैं। और वो किस टॉप 3 पर आ चुके हैं तो वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के बाद, और वीडियो में काफी मजा आने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शहरी बगैर में पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं, जिसको मुआशी कहते हैं, दिन ब दिन डाउन करते जाती जा रही है। और अगर इंडिया की बात करते हैं, उनकी जो आज मुआशी हालत हमसे ज्यादा बेहतर है, ऐसा क्यों है? यार वो इसलिए है कि यहाँ के जो हुक्मरान है ना, सबसे पहले उनको टारगेट किया जाता है, फिर दूसरी बात ये कि जाहिर बात है उन्होंने करप्शन की, खाया, पैसा लूट के चले गए और कर्जे लेते रहे हैं, ठीक है। अब ये उन्हीं का जो है वो सारे मामला तो हमें आवाम को भुगतने पड़ रहे हैं कि जो पैसा लूट के चले गए हैं, ठीक है, और आप देख लें क्या हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के, डॉलर तो स्टेबल हो ही नहीं रहा। डॉलर है ही नहीं स्टेबल, कहाँ पे होगा? बिल्कुल ऐसी बात है, कल देखो डॉलर का रेट क्या, 3 दफ़ा रेट बढ़ा है कल के दिन में डॉलर का, 250 भी डायरेक्ट 300, बिल्कुल ऐसे ही है। और पेट्रोल का देखो, आज कह रहे हैं या सुबह तक मेरे ख्याल से 310 रुपये हो जाएगा, 309 रुपये। हाँ जी, तो देख पता नहीं इनको समझ नहीं आती, अल्लाह ही हाफिज़। पाकिस्तान की इकोनॉमी में बात करता हूँ, मुझे बताएं आजकल पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पे स्टेबल गाड़ी है? पाकिस्तान की इकोनॉमी फर्स्ट ऑफ ऑल तो कभी स्टेबल थी ही नहीं 70s के बाद 80s के बाद। तो उसके बाद इन्होंने मतलब जब तक ये IMF को और अमेरिका को गुड बाय नहीं ना कहेंगे कुछ नहीं हो सकता। इनकी हर गवर्नमेंट की यही पॉलिसी होती है, इनकी यही कोशिश होती है, रिफॉर्म्स इनके पास होती नहीं है, कोई अच्छी पॉलिसी होती नहीं है इनके पास, बस ये कोशिश होती है। कभी आर्मी चीफ जा रहा है, कभी सदर जा रहा है, कभी कोई PM जा रहा है, किसी तरह कुछ अरब डॉलर हमें, बिलियन डॉलर्स मिल जाएं और हम किसी तरह इस टाइम को निकाल के कुछ खा पी के इलेक्शन की तरफ ले चलें। जिस तरह से पेट्रोल महंगा होता नजर आ रहा है, जिस तरह डॉलर की कमी होती हुई नजर आ रही है, बल्कि डॉलर पाकिस्तान में है ही नहीं, मैं कमी की बात ही क्या करूँ। देखिए डॉलर क्या चीज़, आप लोग डॉलर के मोहताज हो? नहीं तो फिर क्या, व्हाट इज डॉलर? डॉलर क्या है भाई, आपको किस चीज़ की कमी है? आपको सिर्फ थोड़ी सी गैरत और थोड़ी सी रिफॉर्म्स की कमी है, बिल्कुल। और इस मुल्क में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना टैलेंट की, ना हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। आप अगर मैं बात करूँ हमारे मुल्क में टैलेंट की, हमारे मुल्क में टैलेंट भी मौजूद है। हम अगर हमारे मुल्क में हुक्मरानों की बात करते हैं, हमारे मुल्क में एक सियासत से बड़ी एक सियासत मौजूद है, मगर फिर भी आज हम अपने आप को इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल क्यों फील कर रहे हैं? यार यहाँ पे आपको पता है कि टैलेंट है, सब कुछ है, सब कुछ हो सकता है, इवन के यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी स्टेबल हो सकती हैं और प्रोजेक्ट बन सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि उस पर काम नहीं किया जाता। एक प्रोजेक्ट अगर तैयार करने लगते हैं तो उस पर करप्शन के केसेस आ जाते हैं, ठीक है, केस हो जाता है उस पर, वो सालों साल पड़ा रहता है, ठीक है। टैलेंट है, टैलेंट को प्रमोट नहीं होने देते, सामने नहीं लेके आते, सिर्फ क्या है अपने लोग रखते हैं, रिश्वत लेके लोग रखते हैं, ठीक है। जो टैलेंट होता है, जो रियल टैलेंट है, सब कुछ होने के बावजूद आज हम बाकी ममालिकों से पीछे। अगर मैं अपने साथ हमसाय मुल्क इंडिया की बात कर लूं तो उसकी जिस तरह से इकोनॉमी स्टैंड कर रही है, एकदम बढ़ती जा रही है, जहाँ तक IMF ने भी अपनी रिपोर्ट्स में कह दिया कि जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमी दिन ब दिन ग्रो कर रही है, हो सकता है वो आने वाले चंद सालों में अपनी जो इकोनॉमी है चाइना से भी ऊपर ले जाएगा। जिस तरह ग्रो जाएंगे, चाइना से ऊपर तो नहीं जा सकते, लेकिन हमसे बहुत ऊपर जा सकते हैं। देखें भाई 80s के बाद आदमी हमसे ऊपर ही है, वो यकीनन ऊपर है, वो काफ़ी टाइम से हमसे ऊपर है। ये हमें लॉलीपॉप दिया जाता है और इस तरह की वो कभी कोई वीडियो आ जाती है 5 मिनट की इंस्पिरेशनल वीडियो, उनके पास इतने जहाज हैं 200, हमारे पास 600, हम वो देख के खुश हो जाते हैं। और भाई जब देखें ना दुनिया में यूगोस्लाविया, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, ये कंट्रीज़ बिल्कुल, अर्जेंटीना आपको पता है 11 मरतबा डिफ़ॉल्ट हुआ है, लेकिन इन लोगों ने IMF को गुड बाई कह दिया। जब तक आपकी इस्टेब्लिशमेंट में से अमेरिका बाहर नहीं निकलता, उसके डिसीजन यहाँ से बाहर नहीं निकलते। बात करते हैं कि अगर थोड़ी देर पहले की, काफ़ी अरसे पहले की बात कर लेते हैं, आपका कारोबार एकदम फिट जा रहा था, बेहतरीन जा रहा था, मगर जिस तरह से अभी शबाशी साहब की हुकूमत चल रही है तो कारोबार का पता नहीं चल रहा और हम दिन ब दिन नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं। ये वजह जो है ना, उन्होंने महंगाई भी काफ़ी कर दी हुई है। जो मटेरियल हम पहले 50,000 में लेते थे, वो आजकल हमें 1-1.5 लाख रुपये में मटेरियल पड़ रहा है, और जो कस्टमर जो हैं वो जो डिस्काउंट लेते हैं फिर उस रेट में, फिर हमें जो है ना पड़ता ही नहीं है मटेरियल।
और वो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो मज़दूरों को उनकी मजदूरी बिल्कुल टाइम से नहीं दे पा रहे, इस वजह से जो है ना हमारे मुल्क का जल्द से जल्द इसका कुछ सोचा जाए और इसके बारे में। अगर मैं आपके हमसाए मुल्क इंडिया की बात करता हूँ तो मैं आपको बताता चलूँ, इंडिया दिन ब दिन ग्रो कर रहा है, अपनी मैशियत को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। IMF ने भी जहाँ तक ये कह दिया कि जो इंडिया अपनी मैशियत को बेहतर से बेहतर की तरफ लेके जाता जा रहा है और आने वाले चंद महीनों में या सालों में लगा लें वो चाइना के मुकाबले पर भी पहुँच जाएगा। इंडिया जो है वो हमारे बाद में ज़्यादा ग्रो, वो हमारे से बाद में आज़ाद हुआ है, पर वहाँ पे जो हुक्मरान है ना उनका बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और हमारे पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो जो है ना वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी जगह पे बिल्कुल स्टैंड ना कर पाए। इस वजह से जो है ना हमें हुक्मरानों को जो है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और अपने मुल्क के बारे में। अगर मैं अपने मुल्क की बात करूँ तो पाकिस्तान जमहूरिया मुल्क की बात करूँ तो हमारे मुल्क में मुझे बताएं किसी भी चीज़ की कमी ना होने के बावजूद यहाँ पर हर चीज़ पाई जाती है, हर जगह छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी हर चीज़ है, मगर फिर भी आज हम लोग जो इंडिया से पीछे हैं, हमारे अगर बांग्लादेश से पीछे हैं, हम कई ममालिक ऐसे जो हमसे भी पहले नीचे थे बट आज वो हमसे ऊपर चले गए और हम उनके नीचे आ चुके हैं। तो क्या इसकी वजह यही तो है, गैरत की कमी है यार और थोड़ी सी रिफॉर्म्स की। नाअहली किसकी है? नाअहली सबकी है, आवाम की भी और हुक्मरानों की भी। नहीं आवाम की क्या है नाअहली यार, आवाम तो सारे बंदे मेहनत करते हैं यार, सारे अपने अपना एक हर कौन चाहता है कोई बंदा कोई गरीब रहे, सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन अगर किसी बंदे के पास अपॉर्चुनिटी ही ना हो, वो कोशिश करे उसके पास एक इन्वेस्टमेंट ही ना हो या उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी ना हो। MPhil वाले स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे मतलब नो यार, कोई मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा, एजुकेशन का भी कोई मज़ा नहीं आ रहा, इतना मतलब लिटरेसी रेट होने के बावजूद भी लोग जो है वो आउट ऑफ कंट्री मूव कर रहे हैं। हमारा नहीं आते जनाब, IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की जिस गोनी में दिन ब दिन ग्रो कर रही है और अगर दूसरी तरफ बात करते हैं पाकिस्तान हमारे मुल्क की दिन ब दिन डाउन टू अर्थ जाती जा रही है, ऐसा क्यों है? हालांकि हमारे मुल्क में हर चीज़ मौजूद है और इंडिया की बात करते हैं इंडिया में भी हर चीज़ मौजूद है, हम पहले आज़ाद हुए इंडिया बाद में आज़ाद हुई, और बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश भी अगर आपके सामने है देखिए किस तरह से ग्रो कर रहा है और उसके आज मारी डाउन है और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे हैं और आज हम इस मोड़ पे खड़े हैं कि हम किसी को कोई बात भी नहीं कह सकते। बिल्कुल ऐसे ही है यार, देखा जाए कि अब तो कहते हैं कि इंडिया के साथ पाकिस्तान को कंपेयर कर ही नहीं सकते ना, तो अगर हम बात करें बांग्लादेश की और अफगानिस्तान की, बांग्लादेश के साथ भी नहीं कर सकते, अफगानिस्तान के साथ थोड़ा सा है कि आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन उधर भी देखा जाए वहाँ पे पेट्रोल 37 रुपये लीटर है इस टाइम, ठीक है, और पाकिस्तान में कितना है? 250 लीटर। तो दरअसल दोबारा बताइएगा, इंडिया में 37 रुपीज़ और पाकिस्तान में? मैं अफगानिस्तान की बात, अफगानिस्तान में 37 रुपीज़ और पाकिस्तान में 250। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि इंडिया वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्री में आने वाला है, तो जब ये बात पाकिस्तान वालों को पता चली तो पाकिस्तानी बेचारे कैसे जल रहे हैं, कैसे उन्हें जेलस फील हो रहा है, तो लगता है कि वो इंडिया से पहले आज़ाद हुआ था, लेकिन उन बेवकूफ़ों को कौन समझाए कि वो इंडिया के साथ ही आज़ाद हुए थे, वो इंडिया का ही पार्ट थे, वो इंडिया से अलग हो गए, ताकि इंडिया पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं है, किसी से कम नहीं है, वो भी टॉप 3 पर आ चुका है, लेकिन वो किस मामले में टॉप 3 पर आ चुका है वो मैं आपको बताती हूँ। वो धोखाधड़ी मारपीट गुंडागर्दी ये सब करने में करप्शन में वो टॉप 3 पर है, उनके वहां पर बिल्कुल भी रहने की नॉलेज नहीं है उन्हें बिल्कुल भी। आप इस बारे में हमें क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।